हेलो बच्चों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को जीके पढ़ाने वाले हैं, चैप्टर 4, जिसका नाम है लाइब्रेरी मैनर्स। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरी कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। यानी कि लाइब्रेरी मैनर्स का मतलब होता है, लाइब्रेरी का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जिसका नाम उसका हिंदी होता है पुस्तकालय। मैनर्स का मतलब तरीका, तौर तरीका। ठीक है, रेड वाली लाइन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या कह रहा है ये? कहता है रीड एंड अडोप्ट द फॉलोइंग लाइब्रेरी मैनर्स विच आर द ग्रेट इम्पोर्टेंस। कहता है निम्नलिखित पुस्तकालय शिष्टाचारों को पढ़ें। ठीक है, यानी कि इसकी क्या क्या शिष्टाचार है इसको पढ़िए और अपने जीवन में उसके महत्व को अपनाइए। ठीक है, पॉइंट 1 में क्या कहता है उसको हम पढ़ेंगे। कहता है रिमेन साइलेंट इन द लाइब्रेरी सो एज नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स। कहता है पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में चुप रहें ताकि दूसरे जो बंदे पढ़ रहे हैं उसको परेशानी आपसे ना हो, यानी कि आप अपनी वजह से दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, पॉइंट दूसरे में कहता है डू नॉट ईट और ड्रिंक इन द लाइब्रेरी। कहता है लाइब्रेरी में ना ही कुछ खाएं और ना ही पिएं। ठीक है, तीसरे वाले पॉइंट में कहता है शेयर द बुक्स विद योर फ्रेंड इन द लाइब्रेरी। कहता है अपने बुक्स को अपने मित्रों अपने साथियों के साथ साझा कीजिए, बांटिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में कहता है, थोड़ा 1 सेकेंड में थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ इसका जी। पॉइंट 4 में कहता है नेवर राइट स्क्रिबल कट और टीयर पेजेस ऑफ अ लाइब्रेरी बुक। कहता है कि लाइब्रेरी में बुक्स पर कभी भी आप कहीं लाइब्रेरी जाओ तो लाइब्रेरी के बुक पर ना ही किसी चीज़ से लिखो, ना ही उसके पेज को मोड़ो, ना ही उसके पेज को ठीक है फाड़ो। ठीक है, दैट इज़ बैड हैबिट। और ना ही बुक को घसीटो। ठीक है, स्क्रिबल का मतलब होता है घसीटना। बात समझ आ रही मेरी? यानी कि बुक लाइब्रेरी में गए हो तो अच्छे तरीके से बुक को निकालो, अच्छे तरीके से बुक को रखो। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है 5th में नेवर रन और जंप इन द लाइब्रेरी। कहता है लाइब्रेरी में कभी भी ना ही कूदे और ना ही दौड़े। पॉइंट नंबर 6 में कहता है टेक द हेल्प ऑफ द लाइब्रेरियन टू फाइंड अ बुक। कहता है अगर कोई बुक आपको नहीं मिल रहा है तो करेंगे क्या, वहाँ पे तो लाइब्रेरियन पर्सन होगा। ठीक है, तुरंत आप लाइब्रेरियन पर्सन से कांटेक्ट करें कि भैया अंकल ठीक है ये बुक्स नहीं मिल रही, थोड़ी मदद करेंगे मेरे को ढूंढने में। पॉइंट नंबर 7 में कहता है मार्क द पेज ऑफ द बुक यू आर रीडिंग विद अ बुक मार्क टू रीड इट फर्दर, डोंट फोल्ड द पेज। कहता है अगर जिस बुक को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसा होता है कि बहुत मोटी बुक है, ठीक है, उस बुक को आप कुछ पन्ना पढ़े, आधी बुक पढ़े, इन फ्यूचर आप 2 दिन में आओगे, 4 दिन में आओगे, क्या पता आप जहाँ पढ़े वो भूल जाओगे। ठीक है, तो कहता क्या है कि उस जैसे कि सपोज दैट कुरान पाक आप पढ़ते हो, ठीक है, कुरान पाक पढ़ते हो तो आप कौन से पारा में हो तो उसमें क्या होता है, ठीक है, एक धागा सा होता है वहाँ आप याद रखने के लिए डाल देते हैं, या फिर एक ही कुरान पाक आपके घर पे है तो बहुत सारे जन उससे पढ़ते हैं, हर लोगों का निशानदेह होना ज़रूरी है, तो क्या करते हैं अपना अपना कागज़ उसमें डाल देते हैं ताकि वो पता चल जाए, ठीक है, कि आप कहाँ पढ़े थे। आप नेक्स्ट डे आओ, एक हफ्ते बाद आओ, आपको आपकी बुक मार्क से आपको पता चल जाए कि मैंने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आप लाइब्रेरी में आप अपना भी बुक मार्क छोड़ के जाएँ ताकि आप इन फ्यूचर आप वहाँ आओ, ठीक है, तो आपको पता चल जाए कि मैं ये बुक को
ठीक है, यहाँ रखा था, इस जगह पे रखा था, ताकि आपको ढूंढने में भी परेशानी ना हो। आप वहाँ पे तुरंत जाओ, उस बुक को निकाल लो, और कहाँ पढ़ रहे थे आप, ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी निशानदेही के व्यू से, ठीक है, आप वहाँ, ठीक है, फिर से, ठीक है, जहाँ तक आप पढ़े थे उसके बाद से आप कंटिन्यू हो सकते हो। अगले वाले पॉइंट में कहता है, फिर अगला ये कहता है डोंट फोल्ड पेज, और कहता है लाइब्रेरी की बुक को कभी भी अपने निशानदेही के लिए फोल्ड ना करें, ठीक है, दैट इज़ बैड हैबिट। अगले वाले 8 पॉइंट में कहता है ऑलवेज टर्न ओवर द पेजेस ऑफ द बुक यू आर रीडिंग बाय केयरफुल्ली यूजिंग द टॉप कॉर्नर ऑफ द बुक। कहता है जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ, जिस बुक को आप पढ़ रहे हो, तो उसके पेज को आपको सावधानी पूर्वक पलटना है। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम पेजेस को पलटते जा रहे हो रनिंग वे में, ताकि वो पेज फटे, घूमे, मुड़ जाए, ठीक है, गंदी हो, ठीक है। ये अगर आपका जो लाइब्रेरियन पर्सन होगा आपको तुरंत आकर के, ठीक है, स्कॉल्ड करेगा, तो बेवजह किसी से आप स्कॉल्डिंग क्यों सुनोगे, ठीक है। तो आप क्यों ना किसी के बुक को, आप सरकारी चीज़ों को अच्छे तरीके से अपना अमानत समझ करके, ठीक है, उस बुक को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छे तरीके से पेजेस को कॉर्नर से, यानी कि इन पेज ऑफ की पेज का जो कॉर्नर होता है ना, वहाँ से उसको सावधानीपूर्वक पलटो, ठीक है। फिर कहता है 8 वाले पॉइंट में, यहाँ देखो, कैरी योर लाइब्रेरियन बुक लाइब्रेरी बुक्स इन योर स्कूल बैग केयरफुली। कहता है अगर आप लाइब्रेरी बुक को घर लेके जा रहे हो, तो अच्छे तरीके से लाइब्रेरी बुक को घर लेके जाएं। अगला कहता है कीप योर बुक्स इन अ सेफ प्लेस एट होम, और लाइब्रेरी की बुक को एक अच्छे जगह पे रखें, ठीक है। और कह रहा है किन किन चीज़ों से बचाएं, अवे फ्रॉम योर यंगर सिबलिंग एंड पेट्स। कहता है आपका अगर कोई छोटा भाई है, तो जानते ही छोटे बच्चे होंगे, तो आपकी बुक को धज्जियाँ उड़ा देंगे, तो उनसे दूर रखें। आपके घर में कोई पालतू जानवर जैसे बकरियाँ अधिकतर किसी भी चीज़ को चबाना शुरू कर देती है, तो यानी कि इन सारी चीज़ों से आपको लाइब्रेरी की बुक को दूर रखना है, ठीक है, लाइब्रेरी की बुक को अच्छे तरीके से रखना है। तो ये सब लाइब्रेरी मैनर था बच्चों, उम्मीद करते समझ आया होगा। उसके बाद कहता है टिक द करेक्ट आंसर, बताइए द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया इज द, कहता है सबसे बड़ा भारत में लाइब्रेरी कहाँ है, तो ये आप लोगों को बताना है, मैं अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद कहता है द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड इज, कहता सबसे पुराना लाइब्रेरी पूरे विश्व में से कौन सा है, 4 पॉइंट है दिया हुआ, ठीक है। अगला कहता है द वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी वॉज क्रिएटेड बाई, ठीक है, इसका भी आंसर आपको सेल्फली ढूंढना है, मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊँगा, पहले मैं देखता हूँ आप लोग बता पाते हो कि नहीं मेरा वीडियो जाने के बाद, ठीक है, कुछ ही देर में आप इन सारों का आंसर आप लोगों को देना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, गुड बाय टू यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, थैंक यू, बाय बाय।